जी हेलो फ्रेंड्स हमने ये प्रूव करना है प्रूव दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट इज यूनिटी जिसमें हमारे पास क्यूब रूट्स हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन ओमेगा एंड ओमेगा ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन प्लस इंटू स्केयर रूट माइनस थ्री डिवाइड बाई टू एंड उमेगा स्केयर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस वन माइनस स्केर रूट माइनस थ्री डिवाइड बाई टू अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो उमेगा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ हमने उमेगा स्केयर की वैल्यू लेनी है वो है माइनस वन इंटू माइनस इंटू स्केयर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू इन दोनों को आप देखें टू टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास फोर वन इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस वन इंटू प्लस स्केयर रूट माइनस थ्री और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस स्केयर उट माइनस थ्री अब यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी तो यहाँ पर आप देखें ये आपके पास a प्लस बी है और ये आपके पास a माइनस बी है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे ए स्क्यर माइनस बी स्केयर का तो आपके पास यहाँ a क्या है माइनस वन है माइनस वन का क्या है स्केयर इंटू माइनस इंटू स्केयर उठ माइनस थ्री का होल स्केयर आ जाएगा और फोर इसी तरह देखें तो माइनस वन का स्केयर क्या हो जाएगा वन और ये स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर डिवाइड बाय फोर आंसर आपके पास क्या आ गया वन अब यहाँ से मैं क्या पता चला कि वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा वन यहाँ से मैं पता चल गया कि ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर होता है वन के प्रूफ